हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपेंड फंक्शन के बारे में पढ़ा था। अपेंड फंक्शन के थ्रू हम लोग लिस्ट में एलिमेंट ऐड करते हैं, और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट फंक्शन के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझना है तो आप लोगों को इसके पहले वाला वीडियो देखना होगा, क्योंकि ये दोनों बस दो टॉपिक उसमें छूट गया था। ठीक है, अपेंड फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अपेंड फंक्शन क्या करता है? अपेंड फंक्शन लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट ऐड करने में हेल्प करता है। इसमें तीन तरह से एलिमेंट हम लोग ऐड कर सकते थे। एक तीन तरह की मुख्य बात, इसमें तीन बातें थी। पहली बात ये थी कि ये लास्ट में एलिमेंट ऐड कर सकता है लिस्ट के। दूसरी बात ये थी कि एक बार में एक ही एलिमेंट हम लोग अपेंड फंक्शन के थ्रू ऐड कर सकते हैं। तीसरी बात ये थी कि अगर हम लोग को मोर देन वन एलिमेंट एक बार में ऐड करना है, मोर देन वन आइटम्स एक बार में ऐड करना है, तो हम लोग इसके साथ इटरेटर का यूज करते हैं या रेंज फंक्शन के थ्रू ऐड करते हैं। और एक और बात थी कि हम लोग लिस्ट का आइटम बना के ऐड कर सकते हैं, और ये विद द हेल्प ऑफ अपेंड फंक्शन। देखिए ये वाला जो एग्जांपल है, अपेंड अ लिस्ट बाय अ लिस्ट। देखिए L1 एक लिस्ट बना है, 11, 22, राम, इसमें तीन आइटम्स हैं। अब कोई लिस्ट पहले से है, उसमें हम लोगों को ये लिस्ट ऐड करना है अपेंड फंक्शन के थ्रू। तो लिस्ट नेम, जो भी लिस्ट का नाम है जिसमें ऐड करना है, डॉट अपेंड, और जो जिसको ऐड करना है उस लिस्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद प्रिंट करा के देखेंगे। ठीक, अब हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग को यहाँ, तो हम लोग हमेशा लास्ट में ही ऐड करते थे। अपेंड फंक्शन के थ्रू जो एलिमेंट ऐड होता है वो हमेशा लास्ट में ही ऐड होता है। अगर हम लोग को किसी डिजायर पोजीशन पे ऐड करना है एलिमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे? किसी डिजायर पोजीशन पे एलिमेंट ऐड करने के लिए हम लोग इंसर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। इंसर्ट फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेता है, एक पोजीशन जहाँ पे आपको ऐड करना है। कभी कभी हमारा मन है कि हम लिस्ट के शुरू में ऐड करते किसी चीज को, तो वहां पे हम लोग को पोजीशन देना होगा। और पोजीशन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से स्टार्ट होता है लिस्ट में। इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है लिस्ट में। कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, लिस्ट को ही एक्सेस करने के लिए हम लोग इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं, जो कि यूनिक होता है और जीरो से स्टार्ट होता है। तो पोजीशन जो है, पोजीशन यहाँ पे हम लोग डालेंगे कहाँ पे ऐड करना, कौन सा वैल्यू ऐड करना है वो डालेंगे। ठीक है, अगर हम लोग को शुरू में इंसर्ट करना है तो लिस्ट डॉट इंसर्ट, उसके अंदर पहला आर्ग्यूमेंट जीरो नंबर इंडेक्स पे, और उसमें स्टार्ट एंड स्टार्ट लिखेंगे, यानी कि यहाँ से मेरा लिस्ट, ये स्टार्ट ऐड करना हम लोग को जीरो नंबर इंडेक्स में, मतलब कि यहाँ पे किसी भी यहाँ पे लिस्ट में स्टार्ट ऐड हो जाएगा। शुरू में लिस्ट के स्टार्ट ऐड हो जाएगा। एडिंग मल्टीपल एलिमेंट टू द लिस्ट एट अ टाइम, अगर हम लोग को एक साथ बहुत सारा एलिमेंट लिस्ट में ऐड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? एक्सटेंड फंक्शन का यूज करते हैं। और एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है? एक साथ मल्टीपल एलिमेंट लिस्ट में ऐड करता है। तो हम लोग इसका सबका एग्जाम्पल देखेंगे अभी। देखिए यहाँ तक, यहाँ पे तो लिस्ट बना हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग इसमें देखेंगे, मान लीजिए कि ये जो लिस्ट है, यहाँ पे जो लिस्ट दिख रहा है 100, 200, राम, जो भी लिस्ट है, इसके हम लोग को स्टार्टिंग में कुछ ऐड करना है। तो हम लोग कौन सा फंक्शन करेंगे यूज? इंसर्ट फंक्शन। और इस लिस्ट का नाम है एलएसटी। देख लीजिए एक बार आप लोग क्या है एलएसटी, इसको रन करा के देखते हैं। ये वाला लिस्ट है, ठीक है, इसमें स्टार्ट कहाँ से शुरू हुआ? 100 से। अब हम लोग को 100 के जगह पे यहाँ पे स्टार्ट में लिखना है, यहाँ जीरो, सॉरी स्टार्ट, एक को स्ट्रिंग लाना है, और पहला जीरो नंबर इंडेक्स पे। अभी जीरो नंबर इंडेक्स पे क्या है? 100। तो हम लोग कौन से फंक्शन का यूज करेंगे? यहाँ पे अपेंड का यूज नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे इंसर्ट का यूज करना पड़ेगा। एलएसटी लिस्ट का नाम है डॉट इंसर्ट, क्या ऐड करना है हम लोग को? स्टार्ट, START, स्टार्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? लिस्ट को प्रिंट कराएंगे, देखेंगे स्टार्ट ऐड हुआ है, सॉरी एक मिनट, आर यहाँ पे छूट गया, देखिए इंसर्ट में आर छूट गया, ठीक है, देख ठीक कर लेते हैं उसको। सॉरी पोजीशन भी देना भूल गई थी, सॉरी, जीरो पोजीशन पे, जीरो। सबसे पहला क्या था लिस्ट के बारे में? देखिए यहाँ पे इन पोजीशन देना है, कहाँ पे ऐड करना और वैल्यू देना, ये दोनों ही भूल गई थी। दिए पोजीशन जीरो नंबर पोजीशन पे, और वैल्यू देना क्या है? स्टार्ट देना है, रन कराइए, देखिए स्टार्ट आ गया ना, स्टार्ट जीरो नंबर इंडेक्स पे देना है स्टार्ट। चलिए ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना था?
एक्सटेंड फंक्शन का यूज करना था। अगर मोर देन वन एलिमेंट एक बार लिस्ट में ऐड करना है एक ही बार में, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड फंक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सटेंड फंक्शन का। lst.extend एक्सटेंड किए, एक्सटेंड फंक्शन में अब क्या करना है, हम लोगों को क्या ऐड करना है वो देना पड़ेगा, 2000 1000 ऐड कर दिए, ठीक। और इसको फिर प्रिंट करा के चेक करेंगे मेरा ऐड हुआ है कि नहीं। ये भी लास्ट में ही ऐड करता है वैसे। देखिए एक बात ध्यान देने की, जो हम लोग लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड किए थे पिछले वीडियो में, तो वो जो बना था मेरा, इसीलिए बोली थी पहले पीछे भी वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिस्ट के अंदर अगर लिस्ट डालेंगे तो वो एक आइटम बनेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ये दोनों तो एक एक साथ गया है अंदर में, लेकिन ये अलग अलग आइटम बना है। एक साथ मल्टीपल एलिमेंट हम लोग ऐड कर पा रहे हैं। देखिए 200 100, ये स्क्वायर ब्रैकेट में है लेकिन ये अलग अलग एलिमेंट की तरह ऐड हुआ है, डिफरेंस यही है। एक्सटेंड फंक्शन एक बार और देख लेते हैं, यहाँ तक तो आज का काम खत्म हो गया है, लेकिन एक बार हम लोग और अच्छे से समझते हैं इसको। अपेंड फंक्शन क्या किया, देखिए अपेंड फंक्शन क्या करता है, अपेंड फंक्शन जो है एक बार में एक एलिमेंट को ऐड करता है। और उसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग को मल्टीपल एलिमेंट ऐड करना होता है तो हम लोग रेंज फंक्शन के थ्रू एक एक करके ऐड कराते हैं, ठीक। और उसके बाद क्या करते हैं, ऐड कराते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट में अगर हम लोग को, अगर हम लोग लिस्ट को एक लिस्ट का आइटम बनाना है तो हम लोग उसमें डालते हैं लिस्ट को, तो अपेंड फंक्शन के थ्रू वैसा कर सकते हैं, लेकिन वो जो होता है वो एक सिंगल आइटम बन जाता है। जैसे कि पिछले, जैसे कि अगर हम लोग इसमें रेंज फंक्शन के थ्रू ऐड करेंगे ना तो ये अलग अलग आइटम बनेगा, लेकिन अगर हम लोग लिस्ट को लिस्ट में ऐड कर देंगे तो ये एक सिंगल आइटम बन जाता है। और यहाँ पे एक्सटेंड फंक्शन में देखेंगे, अगर हम लोग एक्सटेंड फंक्शन के थ्रू ऐड कर दिए 3-4 एलिमेंट को, तो वो कभी लिस्ट की तरह नहीं बनता, एक सिंगल आइटम नहीं होता, हमेशा वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होता है। एक्सटेंड फंक्शन की यही खूबी है कि इसके थ्रू हम लोग मोर देन वन एलिमेंट एक बार लिस्ट में, मोर देन वन आइटम एक बार लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट में भी आप देख सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात, देखिए ये तो कल के वीडियो में भी होगा लेकिन आज समझाने के लिए दिखा रहे हैं। देखिए लिस्ट एम्प्टी है, पहला 7 लाइन में लिस्ट एम्प्टी है। 8 नंबर लाइन में आते हैं, हम लोग अपेंड करके 100 ऐड किए, अपेंड करके 200 ऐड किए, अलग अलग आइटम बनाई, 100-200 के बीच में कॉमा है आउटपुट में, लाइन नंबर 8 में 100-200 के बीच में कॉमा है। उसके बाद लाइन नंबर 9 में आते हैं इनपुट वाले लाइन में, उसमें देखिए अपेंड किए हम लोग राम, ठीक है। और आउटपुट में देखिए हम लोग राम भी एक अलग एलिमेंट की तरह ऐड हुआ, लेकिन अब हम लोग रेंज फंक्शन के थ्रू जो हम लोग मल्टीपल एलिमेंट ऐड किए हैं इनपुट नंबर 10 में, तो देखिए 1-7 ऐड किए, और इसके आउटपुट को देखिए आप, आउटपुट में क्या है, अलग अलग एलिमेंट है सब, ठीक है। तो हम बताए थे ये पॉइंट कल के वीडियो में कि अपेंड फंक्शन जो है वो मल्टीपल एलिमेंट एक बार में ऐड कर सकता है रेंज फंक्शन के थ्रू, ठीक है। ये हुआ, अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल देखिए, एक L1 लिस्ट 12 नंबर इनपुट में एक L1 लिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। L1 लिस्ट के अंदर दो आइटम है A और B, और इसको फिर हम लोग LST में अपेंड किए L1 को, लेकिन आउटपुट 12 में देखिए कि एक सिंगल एलिमेंट आइटम है लिस्ट का, सिंगल आइटम की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये 8 के बाद जो है पूरा ये लिस्ट आएगा, 9 जो इंडेक्स भी होगा ये, उस इंडेक्स पे पूरा ये लिस्ट आ जाएगा पूरा, और इसके अंदर वो एलिमेंट है उससे मतलब नहीं, एक सिंगल आइटम की तरह ये काम करेगा, ठीक। लेकिन अगर हम लोग एक्सटेंड फंक्शन का यूज करेंगे ना, एक्सटेंड फंक्शन के थ्रू हम लोग जो भी आइटम ऐड करेंगे, मल्टीपल आइटम्स एक बार में, लिस्ट के भी थ्रू मल्टीपल ही कहते, लेकिन वो एक सिंगल आइटम बनेगा, वो एक लिस्ट है बस, उसके अंदर क्या है उससे मतलब नहीं है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मल्टीपल आइटम हम लोग ऐड किए तो वो अलग अलग ही आइटम की तरह ऐड हुआ। एक्सटेंड फंक्शन के थ्रू हम लोग मल्टीपल आइटम ऐड कर सकते हैं,
और अगर हम लोग अपेंड फंक्शन के थ्रू वही करना चाहें तो हम लोग रेंज फंक्शन का यूज करके, इटरेटर का यूज करके यूज कर सकते हैं। इंसर्ट फंक्शन का यूज कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट फंक्शन का यूज में हम लोग इंसर्ट फंक्शन इसलिए यूज करते हैं जहाँ पे हम लोग को पोजिशन डालना पड़ता है, हम लोग को कहाँ पे एलिमेंट ऐड करना है। तो तीन तरह से ऐड कर सकते हैं, अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे ये वाला वीडियो खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।